भैया ये वाला लोकेशन लाइक इधर से आप सर इधर जाइए, इधर के लीजिए ठीक है ठीक है। मत बताओ फोटोग्राफी में बताइए, वो उनका काम है। थोड़ा पीछे हो जाइए, जाए भैया आ जाइए, भीड़ आगे आ जाइए भैया, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या बात है आप लोगों के कितने प्रश्न? आज हम लोग LTGIC के दो बचे हुए विषय हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जो लोक सेवा आयोग लगातार वादा कर करके वादा खिलाफी कर रहा है उसको मांगने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। पिछली वार्ता हम लोग 22 जनवरी को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से किए थे, उन्होंने बताया था कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर हम काम कर रहे हैं और अर्लीस्ट आपका रिजल्ट देंगे, लेकिन कभी केस डायरी का बहाना बना के कभी जो है जांच समिति का गठन करके इस मामले को लटकाने की साजिश में लगे हुए आयोग के अध्यक्ष महोदय, और जो है इस वजह से आज हम लोग 18 फरवरी को यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किए हैं और इस फैसले के साथ किए हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को हिंदी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट दे देना चाहिए और 15 विषयों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दें। पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है, कहीं भी मास्टर नहीं है, शिक्षक और जो है छात्र अनुपात खराब हो गया है, तो ये शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए LTGIC को जल्द से जल्द 15 विषयों को कंप्लीट कराना, शिक्षकों को विद्यालय में भेजना, ये नैतिक दायित्व तो बनता है उत्तर प्रदेश की सरकार का और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय का और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी ये दायित्व तो बनता है। ये परीक्षा कब हुई थी और कितने रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है? ये परीक्षा 29 जुलाई 2018 को हुई थी, इसमें 15 विषयों की परीक्षा कराई गई थी, एक साथ पूरे प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा संपन्न हुई थी और इसमें अब तक 13 विषयों के रिजल्ट लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिए हैं, वो भी लगातार धरना प्रदर्शन करके। 2 विषयों के रिजल्ट रुके हुए हिंदी और सामाजिक विज्ञान और इसी को रोकने की साजिश रची जा रही है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। मांग पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं, जाने वाले नहीं हैं, हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, हम लोग कटोरा लेकर भीख भी मांगेंगे क्योंकि जब नौकरी नहीं है तो जी कर क्या करेंगे। हमारी लगातार बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती जा रही है और जब गरीबी रहेगी तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम जो है उत्तर प्रदेश की जनता से भीख मांग के अपना जीविकोपार्जन करें, और जो है उसके बाद भी अगर जो है सरकार या आयोग के अध्यक्ष महोदय हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग जो है आत्मदाह जैसे आत्मघाती कदम भी उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब नौकरी नहीं है तो जी कर क्या करें। प्रतियोगी मोर्चा संयोजक विक्की खान।